उलमा में एक बहस छिड़ी है, ये आजकल की बात नहीं कर रहा, पुराने बुजुर्गों में, और वो बहस सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे। बहस ये थी कि जीना बेहतर है या मर जाना बेहतर है। अब इस मसले को भी सुनने के लिए बंदे का समझदार होना जरूरी है, जीना बेहतर है या मरना बेहतर है। अल्लाहू अकबर, ये कैसे लोग थे। और शेख मुहक्किक ने ये फैसला पर नकल किया है, मसला छिड़ा, जीना बेहतर है या मरना बेहतर है। उलमा ने जो फैसला किया वो फैसला सुन लीजिए, उन्होंने कहा अगर आका का दीदार जिंदगी में हो रहा हो तो जीना बेहतर है, और अगर मर के हो तो मर जाना बेहतर है। आपको अगर नहीं समझ आई तो मैं दोबारा दोहरा देता हूं, आका का दीदार अगर जिंदगी में हो रहा हो तो जीना बेहतर, और अगर मरने के बाद हो तो मर जाना बेहतर। इसका मतलब यह है आशिकों के हां न जीना मसला होता है न मरना मसला होता है, आशिकों के हां तो दीदारे मोहब्बत करना मसला होता है। आशिक को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि मेरी 100 साल की उम्र होती है या नहीं होती, आशिक को इस बात से भी कोई गर्ज नहीं होती कल मरता हूं कि आज मरता हूं, उसका तो सिर्फ एक ही काम होता है, जीऊंगा भी मोहम्मद के लिए मरूंगा भी मोहम्मद के लिए। फिर समाप्त फिर इस बात को जहन नशीन करें, नबी पाक के नौकर रसूलुल्लाह के नौकर का एक ही काम है, वो जिए भी नबी के लिए मरे भी नबी के लिए। अगर आपको समझ आ रही है तो जरा हाथ खड़ा करके बोलें, जिए भी नबी के लिए मरे भी नबी के लिए। कामयाबी जायदाद बनाने में नहीं है, कामयाबी माल इकट्ठा करने में नहीं है, कामयाबी शोहरत हासिल करने में नहीं है, कामयाबी मोहम्मद से वफा करने में है। यह भी जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग सर पे उठा ले तो बंदा तब कामयाब होता है, कामयाब वो है जो सुरखरू होकर जिए, कोई माने या ना माने, लेकिन वो जिए भी मुस्तफा के लिए मरे भी मुस्तफा के लिए। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और मैं आका की इज्जत अजमत की बात करते हुए मुझे एक बात बताएं, जिनका कल मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, वो तो काले में दीन थे, वो तो पढ़ते पढ़ाते रहे, उनकी तो मस्जिद की खिताबत, उनके तो सैकड़ों शागिर्द, उनकी तो दीन के लिए खिदमात। मैं पूछना चाहता हूं गाजी अलमुद्दीन शहीद का कौन सा मदरसा था, आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, किसी चीज से वो इज्जत नहीं मिलती जो मोहम्मद की चौकीदारी से इज्जत मिलती। मैं रात गुजर खान के इलाके में था जब मुझे इतला मिली, और ये बंदा खुदा धरने में लगी हुई ड्रिप के साथ पहुंच गया, सर्दी के इस मौसम में दुनिया में जब बंदा होता है एक दूसरे से इख्तलाफात होते रहते हैं, खबीस आदमी है वो जो किसी के मरने के बाद भी इख्तलाफात के चक्कर में पड़े। मैं बड़े खुले लफ्जों के साथ उनके लिए दुआ करते हुए उनसे अगर जिंदगी में कोई गलती कोताही हुई है तो अल्लाह माफ करे, इस बात पर दुआ करते हुए कह रहा हूं कम अज कम उस बंदे ने छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक एक ही नारा उनकी जुबान को दिया कि जियोगे रसूलुल्लाह का नारा लगाते और मरोगे खत्मे नबूवत में पहरा देते हुए। और ये वो काम है, अगर कोई मुतासिब आदमी हो तो मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन अगर जिसको खुद मरना याद है वो इस बात को कभी नहीं भुला पाएगा। सलाम उस बंदे को जिसने हालात की सख्तियां ना देखी, मौसम की सख्ती और गर्मी को भी ना देखा, जिसने अपनी तबीयत की बीमारी को भी ना देखा, जिसने माजूरी को भी ना देखा। मुझे लगता यह है उसने कहा मैं माजूरी देखूं या इश्क़-ए-मोहम्मद की मजबूरी देखूं।
मेरी बात सुन ले, आज आप देख लें वो बंदा जिसका गरीब फैमिली से ताल्लुक था, वो बंदा जो दाता साहब की चौखट के करीब एक मदरसे में दार रोटी खा के पढ़ा, वो बंदा जो जायदाद का कोई मालिक ना था, एक मस्जिद का खतीब था, वो बंदा जो दाता की चौखट का फकीर था, उसने नबी की इज्जत पे पहरा क्या दिया कि जहां लबैक या रसूलल्लाह और ताजदार खत्म नबूवत की सदा गूंजने लगी, जमाना उसके साथ नबी के उस फकीर को भी सलाम करने लग गया। बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी, बड़े काम आ गई। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का फरमान है, उज़्कुरू महासिना मौताकुम, तुम्हारे जो दुनिया से चले जाए उनकी अच्छी बातों को याद करो, कुछ याद ना हो, कुछ याद ना हो, कमियां कोताहियां बंदों में होती रहती हैं, कारकुनों में भी याद आते, उनको छोड़ो, कुछ याद ना हो, कम अज कम लबैक या रसूल अल्लाह तो याद है, वो दीवानों की तरह और मजनू बन के लबैक के नारे लगवाना, ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगवाना, और फिर आलम कुफर में जहां भी आवाज उठे अपने काफले के समेत डट जाना। मैं आज जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा पर दुखी दिल के साथ, दुखी इसलिए हुजूर की इज्जत का एक चौकीदार चला गया, जो शायद इस पूरी कौम का फर्ज अदा करता था, उनको भी कहता हूं अब किस पे बरसाओगे लाठियां, अब ये शैल किस पे गिराओगे, वो चला गया मेरे नबी की बारगाह में, लेकिन अपने मसलक के लोगों को और रसूलुल्लाह के गुलामों को ये मैसेज दे गया, वकार से जीना वकार से मरना, इज्जत से जीना इज्जत से मरना। मुझे मिंबर पर बैठकर कह रहा हूं, किसी के लिए नहीं, मैंने हमेशा जो बात मेरी तबीयत में होती है वही करता हूं। भाई जितना सगे भाई का सदमा होता है ना, उससे भी ज्यादा सदमा जरूरी नहीं होता कि मेल मुलाकात हो तो ताल्लुकात होते हैं, मुझे तो इस बात का सदमा है, चलो यार वो अगली सफ के सही, हम पिछली सफ के सही, काम तो हमारा भी नबी की अजमत का झंडा उठाना ही है।